ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए इंडिया का आज दूसरा ओडीआई मैच था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टॉस जीता और फिर से पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर के अंदर 389 रन बना डाले 4 विकेट खोकर। अब जवाब में आई भारत की टीम 50 ओवर के अंदर 338 रन ही बना पाती है 9 विकेट खोकर और इस मैच को 51 रनों से हार जाती है। आपको पता ही होगा कि पहला ओडीआई 66 रनों से इंडिया हारी थी और अब दूसरा ओडीआई 51 रनों से हार गई है क्योंकि दोनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बहुत हाई था और इंडिया उस स्कोर तक पहुंचने में असक्षम रही दोनों ही बार। बात कर लेते हैं पूरे मैच का लेटेस्ट पॉइंट की, लेकिन उससे पहले बात करें तो विराट कोहली ने एक अच्छी बैटिंग की, साथ ही लोकेश राहुल ने भी साथ दिया, लेकिन जो धीरे बल्लेबाजी देखने को मिली उसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को ये हार मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करने उतरते हैं डेविड वार्नर और कप्तान आरोन फिंच। डेविड वार्नर 77 गेंदे खेलते हैं और 83 रन बना देते हैं, वही आरोन फिंच 69 गेंदे खेलते हैं और 60 रन बनाते हैं, लेकिन इनके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ, फिर करते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। पिछले मैच में 105 रन बनाए थे और इस मैच में लगातार दूसरा शतक मारते हुए 64 गेंदों के अंदर 104 रन बना देते हैं। वहीं लाबुसाने 61 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन बनाते हैं और ग्लेन मैक्सवेल फिर से वही बल्लेबाजी का क्रम दिखाते हैं, 29 गेंदे खेलते हैं और 63 रन बनाते हैं। पिछले मैच में 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे, वही हेंड्रिक्स 1 गेंद खेलते हैं और 2 रन बनाते हैं। बात करें अगर इंडियन बॉलर्स की तो इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने एक एक विकेट लिया। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या दोनों ने ही 6-6 की इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस मैच में काफी महीनों के बाद फिर से गेंदबाजी की और एक विकेट भी लिया 4 ओवर के अंदर 24 रन देकर। बाकी सारे खिलाड़ी इस बार भी पिछली बार की तरह ही लुटते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर नवदीप सैनी ने तो 7 ओवर के अंदर 70 रन दे दिए थे 10 की इकोनॉमी रेट के साथ। बात करें इंडियन बैट्समैन की तो इंडिया की ओर से मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ओपनिंग करने उतरते हैं, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन जल्दी ही आउट हो जाते हैं। मयंक अग्रवाल 26 गेंदे खेलते हैं और 28 रन बनाते हैं, वह शिखर धवन 23 गेंदे खेलते हैं और 30 रन बनाते हैं। कप्तान विराट कोहली 87 गेंदे खेलते हैं और 89 रन बनाते हैं, वह श्रेयस अय्यर 36 गेंदे खेलते हैं और 38 रन बनाते हैं, तो केएल राहुल 66 गेंदों का सामना करते हुए 76 रन बनाते हैं, हार्दिक पांड्या 31 गेंदों का सामना करते हुए 28, रविंद्र जडेजा 11 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाते हैं, वही नवदीप सैनी 10 में 10, मोहम्मद शमी 4 में 1, जसप्रीत बुमराह 2 में कोई रन नहीं बना पाते और ऋषभ चहल 6 गेंदों में 4 रन बनाते हैं। इस प्रकार से इंडिया इस मैच को 51 रनों से हार जाती है। बात करें अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस 3 विकेट लेते हैं, एडम शंपा 2 विकेट लेते हैं, हेजलवुड भी 2 विकेट लेते हैं, हेनरिक्स और मैक्सवेल भी एक एक विकेट लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया की बॉलिंग चली नहीं और इसी वजह से इंडिया को इस मैच में भी हार का मुंह देखने को मिला। कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले ओडीआई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।